नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। समतलीकरण का कार्य मजदूरों से मनमानी तरीके से कराया जा रहा है। ग्राम पंचायत घीवही बेरिया खाड में ग्राम प्रधान के द्वारा मनरेगा के अंतर्गत समतलीकरण का कार्य राम प्यारे पुत्र फकीरा की जमीन में कराया जा रहा है। मौके पर सक्षम व्यक्ति या पदाधिकारी की निगरानी नहीं होने के कारण काश्तकार द्वारा स्वयं समतलीकरण का कार्य मजदूरों से मनमानी तरीके से कराया जा रहा है, जिसमें अगल बगल के काश्तकारों की मेड़ व जमीन पर भी जबरदस्ती मिट्टी डालकर कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। उसी जमीन पर भी लगे 11,000 वोल्ट के विद्युत पोल जो पूर्व से मेड़ पर स्थित है, काश्तकार अपनी जमीन के समतलीकरण के दौरान मेड़ को काटते हुए विद्युत पोल के 1 मीटर तक लगभग 5 फीट गहराई पोल के चारों तरफ कटिंग के कारण उक्त विद्युत पोल आगे पीछे के पोल व तार के सहारे खड़ा है, जिसमें कभी भी अप्रिय घटना होने की प्रबल संभावना बनी गई है। ग्राम प्रधान द्वारा समतलीकरण के नाम पर पूर्व से समतल भूमि में सरकारी धन का दुरुपयोग कर सरकारी संपत्ति विद्युत पोल को क्षति पहुँचाने का कार्य किया गया है, जिस परिस्थिति में उक्त कार्य की जाँच कराकर दोषी के खिलाफ उचित कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। स्टार 7 टीवी न्यूज कवरेज करने गए तो वहां पर मजदूर को कार्य बंद करके छुट्टी करा दी और मौके पर कोई मजदूर व मेट मुंशी नहीं पाया गया। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, जितेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। सुनील कुमार शर्मा। अच्छा, यहाँ पे क्या करते थे आप? हमारे पत्नी मेट थी, हम उसके साथ में आते थे काम करने। अच्छा, तो इसमें देखने को मिल रहा है कि 11,000 का पोल है लगा हुआ है, इसमें पोल के जरिए से मट्टी काटा हुआ है। कल के डेट में अगर पोल गिर जाए तो कौन जिम्मेदार लेगा इसका? नहीं तो जो खेत वाला है ना, वही का अपना से कटवाया है। अच्छा, यहाँ पे प्रधान देखने आते थे? हाँ, प्रधान भी आते थे, सचिव भी आते थे। तो आप कई हफ्ता यहाँ पे काम करा है? हम 2 हफ्ता काम करा है। अब इसके बाद आपको क्या हटा दिया गया कि आप छोड़ दिए? नहीं, अपने हटा दिया, बोले कि नहीं अब दूसरे लोग काम कराएंगे। हाँ, अब तुम बताना यहाँ। अच्छा, तो कोई ऐसा तो नहीं था कि आप फर्जी हाजिरी वगैरह नहीं लगा रहे होंगे? कुछ भी नहीं लगा रहे होंगे, और लगवाने के लिए बोल रहे होंगे तो उनके मन से काम नहीं हो रहा है? नहीं, फर्जी हाजिरी तो लगवाने के लिए नहीं बोले हैं, मतलब वो बोले कि नहीं अब फिर कहीं मतलब काम होगा तो कराना, अब यहाँ पे दूसरे लोग के मतलब अब करने दो काम, तो आपके बारी बारी से दिया जाए। ये जो मट्टी पोल्स के जरिए से पूरा हटा हुआ है, 11,000 का पोल है, अंधे के डेट में अगर ये पोल गिर जाए तो हादसा भी हो सकता है। हाँ, तो क्या आपके पीरियड में ऐसा काम हुआ है? नहीं हुआ है। नहीं हुआ। तो ये कौन सा मेट मतलब कराए हैं इसका? आपके बाद कौन सा मेट को यहाँ रखा गया है? सुनीता उमेश। ये समूह वाली है? हाँ, कि समूह वाली है। अच्छा, और ये लोगों का कहना है कि दूसरे के किसानों को भी मतलब मेड़ होकर काटा जा रहा है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, दूसरे लोगों को तो काटा नहीं, हम लोग रहले में नहीं कटाया, फिर बाद में कटाया होगा तो मालूम नहीं। जिसे भी देख रहे हैं कि ये जो लिप्टस के पेड़ है लगा हुआ, ये सब किनारे किनारे एकदम सटाक झरा हुआ है। तो आपके पीरियड में था इतना कि नहीं था? नहीं था, ये बाद में किया गया है। और ये जो जमीन समतलीकरण हुआ है, हाँ, समतलीकरण हुआ है, तो इसमें जमीन लेवल टाइप पे था कि ऊंच नीच था? नहीं, इधर हाइट था, उधर डाउन था। तो मतलब लेवल करने योग्य था कि नहीं? हाँ, था लेवल करने योग्य था, था हाइट था। हाँ, इधर हाइट था, इतना पर से पूरा हाइट था, उधर डाउन था। अच्छा, तो इसमें मतलब जय आते थे यहाँ पे? एक दिन आए। बस एक दिन आए? आज के लगभग कितना दिन हो गया काम किए हुए? जैसे एक हफ्ता का काम हुआ ना, तो दूसरे हफ्ते में आए थे तो नाप ओप के लगाए थे। अच्छा, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है निरंजन गुप्ता। गुप्ता। हाँ।
वो जय के पद पे हैं। हाँ, जय के पद। और सचिव में कौन है? सुरेश यादव। सुरेश यादव आते थे डेली? 4-5 दिन आए हैं यहाँ पे चेक करने। मतलब डेली नहीं आते थे? डेली नहीं आते थे, 4-5 दिन। तो यहाँ पे मतलब लेबर और मेट अपने मन से काम कर रहे थे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए स्टार 7 टीवी न्यूज़।